हाय गाइस, मैं हूँ पलक और आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खिचड़ी, जिसे हम संवत राइस खिचड़ी भी कहते हैं। नवरात्रि का टाइम है, मोस्टली लोग फास्ट करते हैं, तो फास्ट के दौरान आप ये खिचड़ी लंच या फिर डिनर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये बनता कैसे है। समा के चावल की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 टेबलस्पून घी। इसको पैन में हीट करेंगे। जितना ज्यादा घी उतनी टेस्टी खिचड़ी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर। जिंजर से इसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटोस, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करके हरी मिर्च यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप समा के चावल, जो हमने आधे घंटे के लिए पहले भिगो के रख दिए थे। समा के चावल को जंगली घास का बीज भी बोलते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल है। इसको बनाना काफी आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला नहीं जाता है। ये एक सात्विक भोजन है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहां हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आइए देखते हैं खिचड़ी रेडी हुई है या नहीं। हमारी खिचड़ी कंप्लीटली कुक हो चुकी है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट और इजी नवरात्रि रेसिपीज के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।